अस्सलाम वालेकुम, एनएक्स किचन में मैं हूँ शेफ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़ेदार से दस्तरखान सज रहे होंगे एनएक्स किचन के रेसिपीज के साथ। आज की जो हमारी प्रोडक्ट है एनएक्स की, वो है डीप फ्रायर। और डीप फ्रायर आप यकीन जानिए बहुत ही कमाल और आप कह लें कि टाइम सेविंग आपकी प्रोडक्ट है। अब आज की जो हमारी रेसिपी है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जनाब बच्चों के लिए चिकन पॉपकॉर्न्स बनाए जाएं, तो चिकन पॉपकॉर्न्स बनाएंगे और उसको हम डीप फ्राई करेंगे एनएक्स के डीप फ्रायर में। तो इसके लिए हमने क्या करना है, आपने इंग्रेडिएंट्स देख लिए। स्टार्ट करेंगे जनाब, बहुत ही आसान रेसिपी है। सबसे पहले हमें चाहिए चिकन। अच्छा, चिकन मैं आपको पहले दिखा दूं कि आपने इसको तकरीबन 1/1 के क्यूब्स में कट कर लेना है। अगर क्यूब नहीं है, कोई भी शेप में है आप ले सकते हैं, लेकिन 1/1 के क्यूब कर लीजिएगा। और इसमें मैंने मिक्स मीट लिया है, लाइक थाई का भी है और चेस्ट का भी है, आप चाहें तो खाली चेस्ट का भी ले सकते हैं। थाई का मैंने क्यों लिया है, क्योंकि थाई का जो गोश्त होता है वो ज़रा सा और मॉइस्चर अच्छा होता है उसमें। तो ये हमने ले लिया जनाब तमाम का तमाम चिकन। उसके बाद अब हम इसकी मैरिनेशन बनाते हैं, तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ और इस बाउल में हम मैरिनेशन बना लेते हैं। मैं ले रहा हूँ सिरका, चिली सॉस, हरी मिर्च का पेस्ट और मस्टर्ड पेस्ट। उसके साथ सीजनिंग में हम यूज़ कर रहे हैं नमक और उसके साथ हम यूज़ करेंगे ब्लैक पेपर। मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे इसको चिकन। अब आपने चिकन को अच्छे से मिक्सअप करना है। चलिए जी, हमारे पास मिक्सिंग हो गई है रेडी। अब हमने इसको कम से कम भी आपने 1 आवर के लिए, या ज़्यादा अच्छा है कि 2 to 3 hours के लिए आप इसको रेस्ट दे दीजिए। 3 hours के बाद या 2 hours के बाद हम इसको निकालेंगे और उसका आगे का प्रोसीजर आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। जी जनाब, यहाँ पर आफ्टर 2 hours हमने अब क्या करना है, एक हम ले लेंगे पैन, ठीक है, एक पैन ले लेंगे और अब इस पैन में हम इसका ड्राई मिक्सचर बनाएंगे। ड्राई मिक्सचर के लिए मैंने आपको लिखवाया है मैदा और उसके साथ कॉर्नफ्लोर। उसके बाद अगेन हम इसमें सीजनिंग करेंगे ब्लैक पेपर और सॉल्ट की, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब ये हमारे पास जो मैरिनेटेड चिकन है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको हम लिड को कवर करेंगे और अब आपने इसको खूब अच्छे से हिलाना है। तो पॉपकॉर्न चिकन का हमने कोटिंग जो है वो डन कर ली है और अब यहाँ पर एनएक्स का हमारे पास मौजूद है डीप फ्रायर। अब यहाँ से हम इसका टाइमर 20 मिनट्स पे लगाते हैं और टेम्परेचर जो है वो मैं दे रहा हूँ तकरीबन 190 इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। मिनिमम जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका टेम्परेचर वो 150 से है, ठीक है जी। तो जब तक हमारे पास ये जो है हीटअप होता है हमारा ऑयल, क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास चिकन पॉपकॉर्न चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार है। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आपको पॉपकॉर्न चिकन को मज़ीद थोड़ा और क्रिस्पी करना है, डबल कोट कर सकते हैं। सिंपल उसके लिए क्या तरीक़ेकार है, चिकन को आपने लेना है, ठीक है, सिंपल पानी में आप डिप करेंगे और उसके बाद फिर इसी मैदे में कोट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैदे की जो क्वांटिटी मैंने लिखवाई है वो डबल चाहिए होगी, ठीक है, मैदे की क्वांटिटी डबल और कॉर्नफ्लोर की भी डबल चाहिए होगी। और अब चलते हैं इसको फ्राई की जाने के लेकर और अब हम चेक कर लेंगे कि जनाब हमारे ऑयल का टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचा। इसको हमने टेम्परेचर दिया है 190 और अब मैं चेक कर लूँगा कि हमारे पास इसका टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचा, ठीक है जी। टेम्परेचर हमारे पास 150 तक आ चुका है और अब हम इसमें चिकन ऐड करना शुरू करेंगे। एक चिकन पीस डाल के ऐड करके इसमें देख लीजिए, ठीक है जी। और अब हम इसमें 1/1 सारी ऐड कर देंगे। चलिए, सारी चिकन हमारे पास इसमें ऐड हो गई है फ्रायर में और इसको हम बंद कर देंगे।
तो जनाब हमारे पास चिकन पॉपकॉर्न तैयार है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। सबसे पहले हमने इसको स्टेन करना है। ये देखिए खूबसूरत सा कलर आ चुका है, ब्राउन कलर, और परफेक्ट जनाब इसकी शेप आई है, कलर आया है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। चिकन पॉपकॉर्न को अब हम डिश आउट करते हैं। हमारे पास ऑयल हमने अच्छे से स्टेन कर लिया है, और अब यहाँ पर खूबसूरत सी डिश में आप इसको डिश आउट कीजिए। और अब आपकी चॉइस है, मैं इस पर थोड़ा सा ड्रिजल कर रहा हूँ चिली गार्लिक सॉस, आपकी चॉइस है, आप कोई भी सॉस इस पर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें सर्विंग में भी चिली गार्लिक सॉस दिया है, और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस। उसके बाद प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी मेरे पास यहाँ जलेबीनो मैंने रखी है, ये कहीं कहीं आप एडजस्ट करते हैं, इसको खूबसूरती से इस पर प्लेस कर दीजिए। और यहाँ पर एक छोटा सा कंटेनर में चिली गार्लिक सॉस मैंने रख दी है। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप ये बनाएंगे बच्चों के साथ साथ आप बड़ों का हाथ भी नहीं रुकेगा। साउंड से आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना क्रिस्पी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।